हेलो नमस्ते म दीपिका छेत्री है यहाँ अहिले जुन चाहिँ यो क्याम्पेन हुँदैछ यसमा भोलिन्ट्री मैले पनि यता है पार्टिसिपेट गरिरहेको छु यो सोसाइटीसँग र उहाँको जुन चाहिँ इनिसिएटिभ छ है रिड्युस रियुज र रिसाइकल जुन चाहिँ छ प्लास्टिक लिटर फ्री होस् भनेर यो हाम्रो सिक्किममा जुन चाहिँ अहिले यो वाटर बोटल जुन चाहिँ प्याकेज वाटर बोटल जुन चाहिँ ब्यान्ड हुने कुरा हुँदैछ है त्यो नभएर मात्रै प्लास्टिक धेरै चिजमा अब जस्तै पोलिथिन हुन्छ जस्तै हामीले अब चिप्सहरू खायो भने पनि त्यसमा पनि हाम्रो हुन्छ है ऱ्यापर्सहरू हुन्छ त्यो पनि हामीले धेरै प्रकारले अब बाहिरतिर लिटर नगरेर एउटा मजाले कलेक्ट गरेपछि त्यसको पनि आउटपुट हुन्छ किनभने त्यसले पनि हामीले एउटा के भन्छ रिसाइकल गर्यो भने त्यसबाट हामीले धेरै कुराहरू बनाउनु सक्ने रहेछ भनेर हामीले देख्यौँ मैले पनि यता है यो क्याम्पेनमा आज जुन चाहिँ फर्स्ट डे हो यो क्याम्पेनको यहाँ फर्स्ट डेमा आएर जुन चाहिँ मैले अब देखेँ कि जुन चाहिँ प्लास्टिकबाट कतिवटा प्रडक्टहरू पनि बनिँदो रहेछ जुन चाहिँ हामीले सोचेको पनि थिएनौँ है अन्त त्यो एकदमै राम्रो लाग्यो अन्त यो फर्स्ट डेमा कति मान्छेहरूको जति पनि इन्भल्भमेन्ट थियो जति पनि सपोर्ट हामीले पायौँ है सिग्नेचर क्याम्पेनमा त्यो धेरै देखेर एकदमै खुसी लाग्यो अनि अपकमिङ जति पनि अब अगाडि भोलिदेखि जति पनि प्रोग्राम हुनेवाला छ हाम्रो 45 डेजको यसरी नै सपोर्टहरू पाउँछ भन्ने आशा गर्दछौँ हामी थ्याङ्क यू नमस्कार म दिपक ढकाल है आर्टिस्ट दिपिका छेत्री छ यहाँ पनि आर्टिस्टै हो र हामी अहिले यो यो प्लास्टिक लिटर फ्री गान्तोक सिग्नेचर क्याम्पेन यहाँ लागिरहेछ है यो एउटा लक्ष्य भन्ने ग्रुप यो एनजिओ छ दिल्लीबाट आउनुभएको उहाँले हामीलाई कोअर्डिनेसनको लागि यहाँ राख्नुभएको छ स्पेसली यो के बेसमा छ भन्दा यो तिनवटा आर छ है रिड्युस रियुज र रिसाइकल यो तिनवटालाई लिएर प्लास्टिक वेस्ट प्रडक्टलाई चाहिँ हामीले कसरी युजमा ल्याउन सक्छ यहाँ कतिवटा डेमो पनि राखिरहेको छ लुगाहरू बनाएर है हामीले त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँगले कुनै पनि कुरालाई चाहिँ हामीले युजमा ल्यायो भने चाहिँ कुनै पनि काम गर्नु सकिँदो रहेछ भन्ने यस्तो आज यो सिग्नेचर क्याम्पेनबाट सुरु गरिएको छ यस्तो खालको प्रोग्रामहरू उहाँहरूले यो लक्ष्यबाट चाहिँ धेरैवटा स्कुल्समा अब धेरैवटा बजारहरूमा यहाँ लोकल लाल बजार भयो देउराली तादुङहरू गरेर नि धेरैवटा प्रोग्रामहरू राख्नु भएको छ डिफ्रेन्स प्रोग्रामहरू छ नुक्कड नाटक छ है त्यसमा नै इन्भल्भमेन्ट छौँ सबै अब यो काम चाहिँ अब हाम्रो मान्छेहरूले आजदेखि नै पहिल्यैदेखि यो प्लास्टिक लिटर फ्री सिक्किम बनाउनु कोसिस गरिरहेका छन् र पनि अझै धेरै कुराहरू थपिँदै आएकोले गर्दा अब यो प्लास्टिक पनि एउटा यस्तो खालको जरिया जहाँबाट चाहिँ हामीले धेरै पल्युसनहरू भइरहेको छ त्यसलाई पनि कन्ट्रोल होस् भन्ने सबैको राम्रो हितले लिएर आएको छ सो हामीले पनि त्यसमा इन्भल्भ भएर एउटा उहाँलाई सपोर्ट गर्ने भइरहेछौँ र मान्छेहरूको प्रतिक्रिया पनि राम्रो लिएर आएको छ यसलाई हामी पनि सपोर्ट गर्छौँ भन्ने गभर्मेन्टबाटै पनि गभर्मेन्टले पनि सपोर्ट गरिरहनु भएको छ सो यस्तै प्रोग्रामहरू धेरै दिन 45 दिनसम्म अझै चल्नेछ यस सबसे पहले मैं सिक्किम वासियों को लक्ष्य संस्था की तरफ से प्रणाम करना चाहता हूँ हमारा संस्था लक्ष्य सोसाइटी फॉर सोशल एंड एनवायरमेंटल डेवलपमेंट जो एनवायरमेंट के डिफरेंट करंट टॉपिक्स पे काम करती है तो अभी सबसे बड़े टॉपिक है वेस्ट मैनेजमेंट जो पूरे अक्रॉस द इंडिया ये प्रॉब्लम हो रहा है और सबसे उसमें मेन कंपोनेंट है प्लास्टिक्स का मैनेजमेंट वेस्ट मैनेजमेंट तो हमारा एक मुहिम है कि जो लोगों की एक आदत होती है लिटरिंग करने की उसको लोगों से हटाए लिटरिंग ना करे लोग इधर उधर कुछ भी तो प्लास्टिक लिटर फ्री गैंगटॉक हमारा ये कैंपेनिंग है जो गैंगटॉक के लिए हम लोग कर रहे हैं और इसे हम सही जगह पे अगर डिस्पोज करें सही जगह से सेग्रीगेट करें कोई भी वेस्ट को हम एज ए रिसोर्स यूज़ कर सकते हैं तो ये आज हमारे यहाँ आने का मुहिम यही है कि आपको पता चले कि प्लास्टिक कंपोनेंट्स में अगर हम घर से इसको अलग करें सेग्रीगेट करें कलेक्ट करें आगे गार्बेज कलेक्टर्स को दें लैंडफिल साइट्स में ना पहुँचे और ये रिसाइकलर्स को पहुँचे तो क्या क्या चीज़ें रिसाइकिल होकर वापस हमारे लोकल दिनचर्या में आ सकती है जो इन्वायरमेंट के लिए भी पॉजिटिव है और एक जनरेशन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन्स में भी काफ़ी सहयोग करती है आज आप हमारे साथ देख सकते हैं कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स है हमारे पास जैसे हमारी कुलीग दीप्ति मैडम आपको दिखाएंगी कि ये एक प्लास्टिक पेट बोटल्स का रिसाइकिल प्रोडक्ट है ये जितने भी लक्ष्य के जितने भी वॉलंटियर्स हैं हम लोग सब इसी को पहनते हैं ताकि लोगों तक इसको अवेयर पहुंचे ये प्लास्टिक देखते हैं आप इसमें वन साइज वाज ए पेट बोटल ये तभी संभव है जब इसे हम सही तरीके से सेग्रीगेट करें डिस्पोज ऑफ करें तभी ये पॉसिबल है कि हम इसे अच्छे प्रोडक्ट में चेंज कर सकते हैं तो मेरा ये कहना है कि कोई भी प्रोडक्ट वेस्ट नहीं है उसको एज ए रिसोर्स यूज किया जा सकता है अनलेस उसको हम ठीक से डिस्पोज ऑफ करें ठीक से सेग्रीगेट करें आप ये देख सकते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक से ये हमारा
एक टाइल्स बना हुआ है जो हम यूज कर सकते हैं पेमेंट में, कहीं पे चलने में, लोगों को जो कंक्रीट टाइल्स को ये रिप्लेस कर रहा है आजकल। मल्टी लेयर प्लास्टिक्स का आजकल बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा है कि कुरकुरे खाने के बाद लोग फेंक देते हैं, वो वाटर बॉडीज़ के लिए भी प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। ऑब्वियस है जब हम उसे लीटर करेंगे तो प्रॉब्लम कोई भी वेस्ट होगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम आप देख सकते हैं ये इस टाइप का टाइल्स हम बना सकते हैं, डिफरेंट टाइप के बेंचेज डेस्क सभी यूज हो रहे हैं जो बड़े प्लेसेस पे उसको हम यहाँ डेमोस्ट्रेट नहीं कर सकते थे, लेकिन लोगों को ये हमारा ये कुछ प्रोडक्ट लाने का सिर्फ मकसद यही है कि लोग जाने कि रियल में ये प्लास्टिक से हम ये प्रोडक्ट रिसाइकिल की जा सकती है। आज हमारे साथ हमारी डायरेक्टर दीप्ति भटनागर जी भी हैं, वो आपके साथ साझा करेंगी इस प्रोग्राम के आगे का। सबसे पहले मैं सिक्किम वासियों को, टूरिस्ट को, सबको नमस्कार करना चाहूँगी। सबसे पहली बात ये है कि ज़रूरी नहीं है कि कोई सिटी के वासी अगर उसको साफ रख रहे हैं तो वो साफ ही रहेगी। परेशानी ये होती है कि हमारा टूरिज़म काफ़ी होता है सिक्किम में, तो ज़्यादातर करके हम लोग रिस्पॉन्सिबल टूरिज़म को फॉलो नहीं करते हैं। हम जहाँ भी जाते हैं कुछ भी खाते हैं, पीते हैं, कोई चीज़ लेते हैं, कपड़ा लेते हैं, इधर उधर पन्नी फेंक देते हैं, पेट बॉटल फेंक देते हैं, ये हमारे आदत में है हमेशा से। तो हम इस आदत को चेंज करना चाहते हैं, कहीं भी जाके किसी भी सिटी में हम सबसे पहले अवेयरनेस कैंपेन से शुरू करते हैं, क्योंकि सिक्किम में, गैंगटॉक में ऑलरेडी बहुत अवेयरनेस है, तो हमें लोकल लोगों का बहुत साथ मिला है। हम लोकल लोगों के साथ में मिलके, CSOs के साथ में मिलके, GMC के साथ में मिलके, गैंगटॉक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, UDHD, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, स्वच्छ भारत मिशन के साथ में मिलके हम लोग ये कैंपेन कर रहे हैं। हम टूरिस्ट स्पॉट्स पे जाकर भी कैंपेन कर रहे हैं, जहाँ पे हम टूरिस्ट्स को भी अपने माध्यम से इन सब बताना चाहते हैं, प्रेरित करना चाहते हैं कि इधर उधर कूड़ा फेंकने की बजाय हम लोग उसको अलग अलग करके रिसाइकलिंग कर सकते हैं, उसके कुछ वेस्ट के कॉम्पोनेंट का जो फूड वेस्ट होती है उसका कॉम्पोस्ट बन सकता है, पेट बॉटल्स रिसाइकिल होकर ऐसा थैला जैसे चीज़ें बन सकते हैं, टी शर्ट्स बन सकते हैं, ये सब पेट बॉटल से बना हुआ है, कुछ वन सिंगल टाइम यूज प्लास्टिक से टाइल्स वगैरह भी जैसा अभी दिखाई गई। तो हम लोग का ये मानना रहता है कि पहले सेंसिटाइजेशन से शुरू करके हम बच्चों से, बड़ों से, बूढ़ों से, फिर हम कॉलोनी अडॉप्ट करते हैं, किसी एक कॉलोनी, दो कॉलोनी में सेग्रीगेशन का मॉडल हम लोग बनाते हैं। मॉडल बन जाने के बाद में, पायलट हो जाने के बाद में, उसी कॉलोनी के लोगों के द्वारा हम बाकी लोगों को भी प्रेरित करते हैं, वहाँ पर पूरा सिस्टम सेटअप करते हैं कि कैसे शुरू से ही वेस्ट अलग अलग की जाए। गैंगटॉक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ में भी हमारा यही इनिशिएटिव रहेगा कि हम लोग कूड़े को अलग अलग करके अलग अलग रिसाइकलिंग यूनिट्स में या कंपोस्टिंग पिट्स में भेजा जाए, उसको जहाँ पे हमने मिक्स कर दिया फिर बाद में अगर आप अलग करेंगे ऑलरेडी वो पॉल्यूट हो गया, तो उससे प्रोडक्ट की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं बनती है, चाहे वो कॉम्पोस्ट बनाया जाए चाहे रिसाइकल प्रोडक्ट बनाया जाए। तो हमारा यही मुहिम रहता है कि हम सेंसिटाइजेशन से शुरू होकर ऑन ग्राउंड सेग्रीगेशन, कनेक्टिंग विद द रिसाइकलर्स, हम लोग पूरा लाइफ साइकिल को एंड तक ले जा सके। शिक्षा संस्थान का मामला है, मानना है कि किसी भी चीज़ को बैन करने से सॉल्यूशन नहीं होता है उसका, जब तक आप अल्टरनेटिव नहीं निकालेंगे किसी भी चीज़ को। बहुत सारे हम लोग इंडियंस का एक आदत हमेशा से रहा है, रीयूज़ करते हैं हम लोग, उस आदत को हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं। किसी भी चीज़ को हमारा ये हमेशा से मानना रहा है, जैसे बचपन से हम लोग देखते आए हैं, हमारे माता पिता, दादा दादी किसी भी चीज़ को तब तक यूज़ करते हैं जब तक कि वो यूज़ किया जा सकता है, फिर उससे कुछ ना कुछ नई चीज़ बनाते थे। हम लोग के पुराने कपड़े हमने देखा, हमारे दादी नानी कैसे उसको कुशन का कवर बना देते थे, तकिए का कवर बना देते थे। तो हम लोगों का यही मानना रहता है किसी भी चीज़ को रीयूज़ करना, सबसे पहले तो कम यूज़ करिए, रिड्यूज़ करिए, जितना ज़रूरत है उतना यूज़ करिए, फिर रीयूज़ करिए, फिर रीसाइकल करने की कोशिश करिए। आज पन्नी बैन कर देते हैं, आप कपड़े का थैला दे देते हैं, कपड़े का थैला भी बार बार यूज़ होने से वो भी लोग इधर उधर फेंकेगा। किसी भी चीज़ का ज़्यादा मात्रा में होने से, उसका ईजीली अवेलेबल होने से वो इधर उधर लिटरिंग की आदत हम लोग की बन जाती है। तो हम उस आदत को ख़त्म करना चाहते हैं, चाहे वो पन्नी हो, प्लास्टिक हो, कपड़ा हो, किसी भी चीज़ को इधर उधर फेंकना नहीं है हमको। जो उसके लिए बिन्स निर्धारित किए गए हैं वहाँ पे रखना है, अलग अलग रखना है, रीयूज़ करना है, रिसाइकल करना है। ये हमारे लक्ष्य संस्थान का एक एम ऑब्जेक्टिव यही रहता है। बिल्कुल, हमारा भी यही मानना है कि जैसे टूरिस्ट बाहर से आता है, पानी की बॉटल, उनको पानी पीना रहता है या कोल्ड ड्रिंक्स पीना रहता है, तो वो उनको ख़रीदना ही पड़ता है। जितना भी हमें ये पूरा सिस्टम को अभी पूरा सेटअप करना होगा, अल्टरनेटिव प्रोवाइड करना होगा, तभी हम इस बैन का पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। देखिए, बैन
के बजाय हम लोग तो यही प्रमोट करेंगे, यही आप लोगों से गुजारिश करेंगे, सबसे सिक्किम की जनता से, टूरिस्ट से, कि जितना कम हो सके यूज़ करें, फिर उसको अलग अलग उसके बिन्स में रख के रिसाइकल कर सकें। किसी भी चीज़ के बैन का, जैसे कि मैंने पहले कहा, कोई सॉल्यूशन नहीं होता है कोई भी चीज़ बैन करने का, क्योंकि पानी पीने की या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हो गया, ये सब का अभी हमारे पास कोई और अल्टरनेटिव नहीं बनाया गया है टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड। अभी हम लोगों का लक्ष्य का मानना ये है कि हम लोग रिसाइकल करके उसको नया प्रोडक्ट्स में बना सकते हैं, जैसा टेक्सटाइल्स, टाइल्स, बेंच वगैरह बन जाता है पार्क में बैठने के लिए या ऐसे टूरिस्ट एरिया में बैठने के लिए। तो हम लोग लिटरिंग करने की बजाय उसको अलग अलग बिन्स में करके रिसाइकलर से कनेक्ट करवाते हैं। रिसाइकलिंग एजेंसी के पास जाने से, गुड क्वालिटी में, गुड क्वान्टिटी में जाने से उसका एक सही यूज़ बन पाता है। देखिए, किसी भी चीज़ को शुरू करने के लिए उसका, उसके लिए इच्छा होना, विलिंगनेस होना, देन उसका एक फिजिबिलिटी एनालिसिस होना बहुत ज़रूरी होता है। मैं मानती हूँ आपकी बात। अगर आप पूरा सोशल और इकोनॉमिक और एनवायरनमेंटल थ्री प्रॉन्ग्ड अप्रोच हम लोग लेते हैं, अगर उससे देखेंगे आप, तो एक रिसाइकलिंग यूनिट से ना केवल आपकी ये प्लास्टिक की समस्या एक तरफ हल हो जाएगी, दूसरी तरफ इतना लाइवलीहुड, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा जो कि लोकल लोगों के लिए काफ़ी होगा। क्योंकि ये प्लास्टिक के कोई भी रिसाइकलिंग यूनिट वहाँ पे ही लगाई जाएगी जहाँ पे गुड क्वालिटी, गुड क्वांटिटी में आप अलग से प्लास्टिक करके दे रहे हैं। वहाँ पे ज़्यादातर करके लोकल ही जनता को एज एम्प्लॉयज़ लिया जाता है। तो वाइल ऑन वन साइड एनवायरनमेंट के लिए तो अच्छा होगा, इधर उधर कूड़ा फेंका आपके वाटर बॉडी में नहीं जा रहा है, वाटर बॉटल्स रिसाइकलिंग होके प्रोडक्ट बन रहा है, प्लस आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो रहा है। तो अगर आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखेंगे, जैसा कि आप बता रहे हैं कि कुछ नेगेटिव भी होता है, हर इनिशिएटिव का कुछ पॉजिटिव होता है और कुछ नेगेटिव होता है, लेकिन हमको ये फिजिबिलिटी एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है कि कितना अच्छा और कितना बुरा हो रहा है। अगर आप वैसे भी वे करेंगे तो प्लास्टिक बॉटल्स या तो ग्राउंड वाटर को पॉल्यूट करेगा या फिर सरफेस वाटर बॉडी में जाकर पॉल्यूट करेगा, या फिर वन टाइम यूज़ प्लास्टिक का पन्नी भी रहता है वो क्लॉक करता है ड्रेन्स को। इसीलिए बेटर यही होता है कि इन चीज़ों को अलग कर दिया जाए एट सोर्स और रिसाइकिलिंग कर दी जाए।